नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और हरदोई जिलों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए सरकार पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई पेशेवर अपराधी या माफिया किसी उद्योगपति को फोन पर धमकी नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश दंगों के लिए कुख्यात था, कई जिलों के नाम मात्र से लोग डरते थे, अब डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने 2012 और 2017 के बीच 700 से अधिक दंगे देखे, लेकिन 2017 और 2023 के बीच यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया, वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और यह निवेश और स्थापना के लिए सबसे अनुकूल अवसर है। अतीक और अशरफ हत्याकांड और यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की भी मांग की गई है। दरअसल बीते शनिवार 15 अप्रैल को गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने चल रहे विधानसभा सत्र में यूपी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सरकार पर विपक्षी दलों ने माफिया और परंपरागत अपराधियों के खुलेआम एनकाउंटर का आरोप लगाया और इस मामले की जांच करने की मांग की। इसी क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने 2017 के बाद से प्रदेश में हुए कुल 183 एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। एनसीपी में एक बार फिर टूट की अटकलों को लेकर आज अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है, मैं एनसीपी के साथ हूं और एनसीपी के साथ रहूंगा। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि मीडिया बेवजह ऐसी अफवाहें फैला रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 40 विधायकों के हस्ताक्षर नहीं लिए, जो विधायक आज मुझसे मिलने आए, यह एक रूटीन प्रोसेस है, कोई और मतलब मत निकालिए। पार्टी में चल रही उथल पुथल को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चर्चाओं के कारण एनसीपी कार्यकर्ता भ्रमित हो रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चिंता ना करें, शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी का गठन किया गया है और कई बार ऐसा हुआ है जब हम सत्ता में रहे हैं या विपक्ष में। केंद्र और गुजरात सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को छूट देने पर फाइलों के साथ तैयार रहने के 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच ने 11 दोषियों को उनकी कैद की अवधि के दौरान दी गई पैरोल पर सवाल उठाया और कहा कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। आप पीड़ित के मामले की तुलना धारा 302 यानी हत्या के मामलों से नहीं कर सकते, जैसे आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, वैसे ही नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। अपराध आम तौर पर समाज और समुदाय के खिलाफ किए जाते हैं, असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और किस आधार पर छूट देने का फैसला किया। आज बिल के सह कल कोई और भी हो सकता है, यह आप या मैं हो सकते हैं। यदि आप छूट प्रदान करने के अपने कारण नहीं बताते हैं तो हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे। सत्य हिंदी के संपादक आशुतोष से दिवंगत अतीक के वकील विजय मिश्रा ने एक पत्र को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि अतीक अहमद का एक पत्र उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के चीफ जस्टिस को उनकी मौत के मामले में भेजने के निर्देश के साथ भेजा जा रहा है। वकील विजय मिश्रा ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में वह पत्र ना तो मेरे पास है और ना ही मेरे द्वारा भेजा गया है, इसे कहीं और रखा गया है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजा जा रहा है। मुझे पत्र के कंटेंट की जानकारी नहीं है, यानी पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी वकील को नहीं है। अतीक के वकील के मुताबिक अतीक अहमद ने कहा था कि अगर कोई घटना होती है या उनकी हत्या होती है तो सीलबंद लिफाफे में पत्र भारत के चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाना चाहिए। समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनवाई कर रही है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है। वहीं कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में राज्यों को भी पार्टी बनाया जाए। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में हमारी प्रारंभिक आपत्ति है, ये संसद के क्षेत्राधिकार का मामला है। उन्होंने कहा कि ये सवाल ये है कि क्या अदालत खुद इस मामले पर फैसला कर सकती है, ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है।
केंद्र को पहले सुना जाना चाहिए क्योंकि वह अदालत के समक्ष 20 याचिकाओं की सुनवाई योग्य होने का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता, संसद उपयुक्त मंच है, ये नीतिगत मामले हैं। बड़ी संख्या में हितधारकों से परामर्श करने की आवश्यकता है। ये सवाल है कि कौन सा मंच इस मामले में विचार कर सकता है, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। वहीं मेहता के उठाए सवालों का जवाब देते हुए CJI ने कहा कि व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए हम पर भरोसा रखें, हम बाद में आपको सुनेंगे लेकिन हमें केस को शुरू करना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल इस मामले में गुण दोष पर ना जाएं, केंद्र को कुछ समय चाहिए। वहीं CJI ने कहा कि हमें ये ना बताया जाए कि सुनवाई कैसे करनी है, हम कोर्ट के इंचार्ज हैं, आप जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ सुनवाई टालना ही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में सरेआम हुई हत्या की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हुई हत्या के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि हमें अपराधियों और अपराध से कोई हमदर्दी नहीं है, हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी होता है, अपराध का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए लेकिन उसके लिए कानून है, संविधान है और अदालत है। उन्होंने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों पर भी मुकदमा चला, सजा हुई है लेकिन किसी ने भी कानून को हाथ में नहीं लिया। तेजस्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। सुनियोजित तरीके से एक पटकथा के तहत एक पूर्व सांसद की पुलिस हिरासत में हत्या की गई है, इसकी आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, उत्तर प्रदेश में ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जा रहा है। अगर देश में शांति रहेगी तो जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी, इसलिए भाजपा और उसके समर्थित संरक्षित और संतोषित अपराधी गोदी मीडिया के सहयोग से देश में हिंसक संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। भाजपा बहुत खतरनाक राजनीति कर देश को अकल्पनीय बर्बादी की ओर धकेल रही है। आज IPL में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने 4 में से 2 मैच जीते हैं और पॉइंट टेबल में मुंबई 8वें और हैदराबाद 9वें स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।